नमस्कार, मैं रतन सेन भारती। आज हम बात करेंगे नगर निगम चुनाव को लेकर। बिहार में होने वाले नगर निगम चुनाव को लेकर तैयारी शुरू हो गई है। आयोग की तरफ से जहां तैयारी शुरू कर दी गई, तो वहीं दूसरी तरफ उम्मीदवारों ने भी कमर कस लिया है। ऐसे में आयोग की तरफ से लगातार अपडेट साझा किया जा रहा है। ऐसे में जो खबर निकल कर सामने आ रही है, उसमें यह बताया जा रहा है कि अब उम्मीदवारों को चुनाव लड़ने के लिए पैसे का निर्धारण कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि नगर परिषद क्षेत्र में बाढ़ का चुनाव लड़ने के लिए आप 40,000 और नगर पंचायत क्षेत्र में के जो प्रत्याशी हैं वो 20,000 रुपये तक की राशि खर्च कर सकते हैं। इसके अलावा मुख्य पार्षद और उप मुख्य पार्षद के मामले में आयोग ने संबंधित नगर निकाय के लिए बार बार निर्धारित राशि उस निकाय के कुल वार्डों की संख्या के गुणांक की आधी तय की गई है। यानी कि एक पूरा फार्मूला है जिसके तहत जो है नगर परिषद के जो अध्यक्ष होंगे उनका जो है कितना पैसा खर्च कर पाएंगे, इसको लेकर जो है गणित सामने आया है। बताया तो ये भी जा रहा है कि नगर निगम को वार्ड पार्षद पद के लिए आबादी के अनुसार चुनाव खर्च की सीमा तय की गई है। साथ ही साथ ये भी बताया जा रहा है कि 4,000 से 10,000 तक की आबादी वाले वार्ड में अधिकतम 60,000 रुपये और 10 से 20,000 की आबादी वाले वार्ड में प्रत्याशी अधिकतम 80,000 रुपये कर सकते हैं। इसको लेकर जो है अभी आधिकारिक बयान जो है आयोग की तरफ से जारी नहीं किया गया है। राज्य निर्वाचन आयोग के सूत्रों की माने तो नगरपालिका अधिनियम 2007 के तहत निर्धारित चुनाव खर्च की सीमा के अनुसार ही कोई भी उम्मीदवार अपने अपने चुनाव क्षेत्र में चुनाव के दौरान खर्च कर सकता है। यानी कि जो पुराना जो फार्मूला है उसी फार्मूले के आधार पर जो है इस बार भी चुनाव में पैसे खर्च करने की बात कही जा रही है। साथ ही साथ ये भी बताया गया है कि मतदान केंद्र की स्थापना इस प्रकार से की जाएगी कि किसी भी मतदाता को 2 किलोमीटर से अधिक दूरी तक नहीं जाना पड़े मतदान करने के लिए। साथ ही साथ ये भी बताया जा रहा है कि एक भवन में अधिकतम 4 मतदान केंद्र की स्थापना की जा सकती है। साथ ही साथ ये भी बताया गया कि आवश्यकता होने पर बाढ़ में मतदान केंद्र की स्थापना और अस्थायी रूप से चलंत मतदान केंद्र में हो सकती है। इस बात का भी जिक्र किया गया है कि जो मतदाता वोट देने में समर्थ नहीं है उनके निवास स्थान के पास मतदान केंद्र की स्थापना की जाएगी। इससे पहले के बिहार में अगर हम देख लें पंचायत चुनाव को देखें या फिर उससे पहले अगर हम विधानसभा चुनाव को देखें, तो इन सब में जो है इस तरह की प्रणालियाँ इस्तेमाल की जाती रही। तो बुजुर्ग हैं जो मतदान केंद्र तक नहीं जा सकते हैं, उनके यहाँ खुद ही जो है अधिकारी जो है चुनाव कराने वाले वो खुद जाकर वहाँ जो है उस तरह का बूथ की व्यवस्था करते हैं और वो वोटिंग की प्रक्रिया इस्तेमाल की जाती है। नगर निगम के चुनाव में भी जो है ये बात कही जा रही है। बता दें कि इस बार निकाय चुनाव में तीनों पदों के लिए ईवीएम का इस्तेमाल किया जाएगा। एक लंबी प्रक्रिया चली कि बैलेट पेपर से मतदान होगा या ईवीएम से मतदान होगा, लेकिन आखिरकार आयोग ने जो है ये स्पष्ट कर दिया है कि इस बार जो है ईवीएम के माध्यम से ही चुनाव करवाया जाएगा। बता दें कि अभी तक राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से तारीखों का ऐलान नहीं किया गया है कि कब चुनाव होना है, लेकिन आयोग की तरफ से चुनाव संबंधी अपडेट साझा किया जा रहा है। हालांकि अब उम्मीदवार अपने वोटरों को पास जाने लगे हैं, उन्हें अपने वादों से रिझाने की भी शुरुआत कर दिए हैं। इधर जिला प्रशासन भी नगर निकाय चुनाव में स्वच्छ, निष्पक्ष एवं भयमुक्त और पारदर्शी तरीके से चुनाव कराने के लिए आयोग के दिशा निर्देश के आलोक की प्रक्रिया में जो है आगे काम करना शुरू भी कर दिया है। बताया तो ये भी जा रहा है कि इस बार के नगर निगम चुनाव जो है 2 चरणों में हो सकते हैं, इसकी भी संभावना है। हालांकि आयोग की तरफ से ईवीएम जांच का कार्य जो है वो शुरू कर दिया गया है। यानी कि पहले स्तर की जो जांच ईवीएम की होती है उसकी प्रक्रिया जो है लगभग जिलों में शुरू कर दी गई है। ऐसे में बस अब उम्मीद की जा रही है कि सितंबर महीने में चुनाव की तारीखों का घोषणा की जा सकती है, क्योंकि अब तक जो मीडिया में खबरें चल रही है उसमें यही कहा जा रहा है कि सितंबर महीने में नगर निकाय चुनाव की घोषणा की जा सकती है और वो घोषणा जो है अक्टूबर महीने के लिए होगी, क्योंकि अक्टूबर महीने में चुनाव के तारीखों का ऐलान होगा कि यानी कि अक्टूबर महीने की किस किस तारीख को चुनाव हो सकते हैं। वो 2 तारीख जो है अभी भी मीडिया में संभावनाओं के साथ ये खबरें चल रही हैं। इधर उम्मीदवार चुनाव की तैयारियों में जुट गए हैं और मतदाता से मिलने लगे हैं और अपने वादे और अपने आगे के 5 साल की प्लानिंग जो है वो मतदाताओं को समझाने लगे हैं कि आगे जब हम जीत कर आएंगे तो हम किन किन तरह के काम आपके वार्ड में करेंगे। आपके नगर निगम के तहत होगा तो नगर निगम में करेंगे, नगर परिषद है तो नगर परिषद के तहत करेंगे, और अगर नगर पंचायत है तो आपके नगर पंचायत में हम किन किन वादों के साथ जो है आने वाले हैं। तो ये थे नगर निगम से जुड़ी हुई खबर। बिहार और बिहार से जुड़ी हुई और भी ऐसी खबरों के लिए बने रहे बिहारी न्यूज़ के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।